टेक्सचर्ड फिनिश लेमिनेट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले टेक्सचर्ड फिनिश लेमिनेट के सरफेस के बारे में हम बात करते हैं कि टेक्सचर्ड फिनिश लेमिनेट की सरफेस कैसी होती है। तो आप देख सकते हैं ये टेक्सचर्ड फिनिश लेमिनेट है, इसके ऊपर हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ अंदर बाहर होते हुए इसमें टेक्सचर देखने को मिल रहा है, कुछ होल्स टाइप स्ट्रक्चर हमें इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप की जो लेमिनेट होती है वो टेक्सचर्ड फिनिश की लेमिनेट होती है। अब इसके ऊपर फर्स्ट टेस्ट हम करते हैं वो है लाइट का टेस्ट। तो मैं मोबाइल की टॉर्च चलाकर इसके ऊपर आपको बताता हूँ। जैसा कि ये मॉडरेट रिफ्लेक्ट कर रही है, इतना ज़्यादा हाई ग्लोस लेमिनेट जैसा रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रही है, लेकिन ये भी आप देख सकते हैं मॉडरेट रिफ्लेक्ट कर रही है। और अब फिंगरप्रिंट्स की भी बात करें तो इसके ऊपर हमें किसी प्रकार के फिंगरप्रिंट्स हमें देखने को नहीं मिलते हैं। फिंगरप्रिंट्स हमें ज़्यादातर हाई ग्लोस लेमिनेट और मेटेलिक फिनिश लेमिनेट के ऊपर ही हमें देखने को मिलते हैं। अब स्क्रैचेस का टेस्ट लेते हैं तो स्क्रैचेस भी हमें इसके ऊपर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। जैसा कि मैं सबसे पहले आराम से इसके ऊपर करता हूँ तो नो विजिबल, कोई विजिबल स्क्रैचेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब मैं ज़ोर से इसके ऊपर स्क्रैच करूँगा तो हाँ, ज़ोर से करोगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर स्क्रैचेस देखने को मिल रहा है। और ज़ोर से करा तो मेरी ये इक्विपमेंट ही टूट गए। स्क्रैच कर करके देख सकते हैं दोस्तों इसका क्या हाल हो गया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो टेक्सचर्ड फिनिश लेमिनेट होती है उसके ऊपर भी हमें ईजिली स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलते हैं। टेक्सचर्ड फिनिश लेमिनेट भी आपको वेरियस डिज़ाइंस, वेरियस वेराइटीज़ में आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। मार्बल डिज़ाइंस के अंदर भी मिल जाएंगी, प्लेन कलर्स के अंदर, जैसे कि ये प्लेन कलर्स है, प्लेन कलर्स के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। वुड डिज़ाइन के ऊपर भी आपको टेक्सचर फिनिश लेमिनेट देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वुड फिनिश लेमिनेट है, इस तरह की टेक्सचर लेमिनेट भी आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये इस टाइप की जो ये टेक्सचर है, ये अलग अलग टेक्सचर आपको अलग अलग लेमिनेट के ऊपर डिजाइन देखने को मिल जाती है। और हर जो फोल्डर होता है, हर कंपनी का जो फोल्डर होता है वो अलग अलग होता है, तो हर फोल्डर में आपको अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर ये जो डिजाइंस होती है जैसे कि मार्बल डिजाइन हो गया, वुड डिजाइंस हो गए, ये तो कॉमनली यूज डिजाइंस होती है, ये आपको हर फोल्डर में अधिकतर देखने को मिलती है दोस्तों। और ये जो फिनिश होती है ये भी आपको हर फोल्डर में अधिकतर देखने को मिल ही जाती है, वुड डिजाइन से टेक्सचर फिनिश के अंदर। और आप यहां पर देख सकते हैं तो ये भी क्या, ये वुड के टेक्सचर से, तो इस टाइप की डिजाइंस भी आपको देखने को मिल जाती है।